Hi friends, now we are discussing the interview questions in collection in Java. We have one more question. What is the difference between HashMap, LinkedHashMap and TreeMap in Java? Basically, अभी हमें question के साथ काम करना है. Basically, HashMap, LinkedHashMap और TreeMap के बीच में क्या difference है? Right, number एक, HashMap store the data in the form of a key and a value pair, but not maintain the sequence of a key. Generate the key sequence randomly. ये है जो आपका linked hash map है. Linked hash map store the data in a key and a value pair, but maintain the key sequence as per the user adding sequence. And then third, TreeMap. The TreeMap store the data in the form of a key and value pair, but arrange all keys in ascending order and not allow a null value as a key, right? And HashMap and linked hash map allow the null value as a key. जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ friends, एक program करते हैं, right? ये पहले भी बहुत सारे videos में किया है, but we won't revise. Import a java.util.star. Public class map applications. Public static void main string of x. फिर हम यहां पे लिखेंगे hash map of h new of hash map. H dot put 1, RAM. H dot put 45, SHAM. H dot put 2, DINESH. H dot put 5, GANESH. H dot put 6, RAJESH. H dot put 55, GAJANAN. ये डेटा है. अगर आपको इसे फेच करना है तो हम करेंगे सेट ऑफ ए कीज इक्वल टू एच डॉट ऑफ ए की सेट. फिर लिखेंगे इटरेटर ऑफ आई इक्वल टू कीज डॉट ऑफ इटरेटर. व्हाइल आई डॉट हैज नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए की इक्वल टू आई डॉट ऑफ नेक्स्ट. Object of value equal to h dot get of a key. System dot out dot println key plus slash t plus value. ये आपका कोड है. Then we want to save it. File save as map applications dot java. Java c map applications dot java. Java map applications. What happened here? ये जो भी आपका डेटा है हम शायद से अलग नाम देते हैं. map application 1, 2, 3, 4. Map application 1, 2, 3, 4 dot java. Java c map applications 1, 2, 3, 4 dot java. Java map applications 1, 2, 3, 4. देखिए ये कुछ अलग सीक्वेंस आ गई. आगे अभी अगर हम और भी डेटा ऐड करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, या सेंडिंग में नहीं करता. एच डॉट पुट 65 ए, एच डॉट पुट 76 7. देखिए फ्रेंड्स अभी डेटा फिर से चेंज हो गया. अभी देखिए 165 256 55
ये आपका अलग डेटा आ गया, मतलब ये जो सीक्वेंस जनरेट हुई है ये हैश मैप की वजह से जो सीक्वेंस जनरेट हुई है रैंडम है। अगर आप इसे लिंक्ड हैश मैप कर देते, अगर आप इसे लिंक्ड हैश मैप कर देते तो शायद ये पूरी सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में लगती। देखिए मैं फिर से बताता हूं, दिखाता हूं आपको एक बार। जो सीक्वेंस हमने ऐड की है लिंक्ड हैश मैप है, तो ये जो सीक्वेंस हमने ऐड किया उसके हिसाब से 145 के बाद 2, फिर 65, 76, 5, 655। अगर आप इसे ट्री मैप करते, क्या करते हैं ट्री मैप, अगर आप इसे करते तो जो असेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा मैनेज करके देता, जो भी आपका डेटा आता, ये डेटा कैसे आता आपका, ये पूरा का पूरा डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आता। देखिए 1, 2, 5, 6, 7, 45, मतलब हैश मैप में कोई भी की सीक्वेंस नहीं रहेगी। लिंक्ड हैश मैप में जो भी यूजर सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के हिसाब से डेटा रहता है, और ट्री मैप में जो भी डेटा हम देते हैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके हमें दिया जाता है। दीज आर द सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दी हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप एंड ट्री मैप गाइस। ओके, थैंक यू।